टीम इंडिया ने हाल ही में विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में भाग लिया है और इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारतीय टीम के लिए रोहित शर्मा और विराट ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है और उनके इस प्रदर्शन को देखने के बाद यही कहा जा रहा था कि टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप को जीतने में सफल होगी, लेकिन फाइनल में रोहित और विराट के विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया धराशायी हो गई और टीम की इस हालत को देखने के बाद क्रिकेट आलोचकों के मुंह पर तमाचा रसीद हो गया। ये वही आलोचक हैं जो विराट और रोहित को संन्यास लेने की सलाह समय समय पर देते रहते हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि विराट और रोहित आने वाले T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हालिया सूत्रों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि BCCI की मैनेजमेंट विराट को टीम इंडिया से बाहर निकालने के बारे में विचार कर रही है। दरअसल टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया और ये कहा जा रहा था कि विराट लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि अब BCCI की मैनेजमेंट विराट को अपनी T20 टीम में शामिल करने के मूड में नहीं दिख रही और उन्होंने इस बात को विराट के साथ भी साझा किया है। ऐसी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि विराट को मैनेजमेंट ने बोल दिया है कि उन्हें अब T20 वर्ल्ड कप 2024 की में नहीं चुना जाएगा। वहीं कई गुप्त सूत्रों के माध्यम से इस बात का खुलासा किया गया है कि BCCI की मैनेजमेंट ने विराट से बातचीत के दौरान इस बात को जाहिर किया कि अब आपको T20 क्रिकेट में यशस्वी और शुभमन की वजह से टीम इंडिया में नहीं चुना जाएगा। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि मैनेजमेंट T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी रोहित शर्मा के पास ही रहने देगी, यानी कि विराट कोहली जाएंगे T20 टीम से बाहर और रोहित शर्मा की होगी T20 टीम में एंट्री। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।